के विधायकों को जयपुर ले जाया जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता हिम्मत सिंह पटेल मौजूद है। हिम्मत सिंह भाई, क्यों जरूरत महसूस हुई? ऐसी कोई जरूरत नहीं, ये हमेशा जब कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है, आप जानते हैं कि बीजेपी ने रणनीति चेंज की है। पहले उन्होंने दो उम्मीदवार सिलेक्ट किए, उसके बाद उन्होंने कल रणनीति चेंज करके तीसरा उम्मीदवार उन्होंने किया। ये प्रजातंत्र के सामने जब उनकी बहुमति नहीं है, दो ही उनके कैंडिडेट राज्यसभा में जीत सकते हैं, तो उनके अलावा उन्होंने तीसरा कैंडिडेट मैदान में उतारा, तो स्वाभाविक तरीके से हमारे पार्टी के अंदर इसमें विचार विमर्श हुआ और पक्ष ने ये निर्णय लिया कि भी हमारे सभी जो एमएलए हैं उनकी एक यूनिटी रहे और एक एकता बनी रहे, और उसके आधार के ऊपर ही एक रणनीति का भाग है, और इसमें इस रणनीति के भाग के ही तहत ही हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कांग्रेस डर गई है क्या? कभी कांग्रेस डरी नहीं है, ये राजनीतिक रणनीति है और रणनीति का एक भाग है। कहीं पर एक कैंप करना, अपनी यूनिटी को बना के रखना, ये कोई उसका मतलब नहीं है। लेकिन आप खुद जान रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी जिन पद्धतियों को लेकर चारों तरफ से पूरे राज्यों की सरकारों को तोड़ने में लगी है, तो प्रजातंत्र में और लोकशाही के लिए ये नीतियाँ ठीक नहीं है। तो ऐसे समय के अंदर हमेशा पार्टी अपनी रणनीति नक्की करती है और रणनीति के भाग के आधार के ऊपर हम लोग यहाँ पर। लेकिन पिछले चुनाव में हमने देखा था कि आप बैंगलोर ले गए थे, बावजूद उसके एक विधायक ने क्रॉस वोट कर दिया था। वो मैं यही तो कह रहा हूँ, ये इकट्ठा होना एक अलग बात है, और अगर किसी को कुछ क्या करना है तो वो अलग चीज़ है। तो हमारी यूनिटी रहती है और यूनिटी के तहत पार्टी ही तय करती है, और पार्टी की रणनीति पार्टी के जो भी हमारे सीनियर लोग हैं वो लोग सब बैठ के तय करते हैं। तो एक हमारा टीम स्पिरिट बना रहे, हमारे एमएलओ की एकता बनी रहे और एकजुटता बनी रहे, उसी के आधार के तहत हम यहाँ इकट्ठे हुए। कांग्रेस के विधायकों को जयपुर ले जाया जा रहा है, हमारे साथ कांग्रेस के विधायक मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। सर, ये बताइए कि आप लोगों को क्यों जयपुर ले जाया जा रहा है? नहीं, जयपुर ले जा रहा है ऐसा कुछ है ही नहीं, हमको बुलाया है इधर, हमें जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं उसका उसके बारे में हम नहीं जानते। आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता आप लोगों को कहाँ ले जाया जा रहा है? ना, बिल्कुल बिल्कुल पता नहीं है। आपको क्या बोला गया है फिर? नहीं कि भाई ये इलेक्शन है और उसमें थोड़ी खेतान हो सकती है, इसलिए बाहर जाना है तो जा रहे हैं। यहाँ पे आने के लिए पार्टी की ओर से कोई पार्टी की ओर से निर्देश था, इसलिए हमें। लेकिन आपको क्यों लग रहा है, क्यों जरूरत महसूस हुई कि पार्टी को आपको ले जाया जा रहा है? क्योंकि दोनों पक्ष से दो दो उम्मीदवार थे, अभी तीसरा उम्मीदवार खड़ा हुआ है, इसलिए हो रहा है। लेकिन कांग्रेस तो नहीं लगता है कि आप लोग वफादार हैं, इसलिए आपको लेके? नहीं, हम तो सब वफादारी से एक साथ रहने वाले हैं और एक साथ रहेंगे। कितने विधायक मैंने खबर नहीं क्या अभी तो जो बोर्डिंग पास हाथ में तरह खबर पड़े मरद इटलू की तो एयरपोर्ट पहुँच लूंगा। कांग्रेस को सभी विधायक जाएंगे। कितने विधायक जाएंगे? पार्टी ना माणसो आदेश आपे छे। अरे कई जगह ले जाए छे, पर खबर नहीं अड़े बोर्डिंग पास हाथ में आवे तो मने खबर पड़े। प्रदेश प्रमुख जरूर पड़े छे, टिकट तो आपके पास में होगा। भाजपा पार्टी एरोल ना करे कांग्रेस ना धारासभ्य ने, એટલા માટે જવાના છે બધા। વિશ્વાસ નથી તમારા પર? વિશ્વાસ તો બધો છે જ ને, હાઈકમાન્ડ ને વિશ્વાસ તો છે જ ને, તો પછી શા માટે લઈ જવા પડે? તો લઈ જાય, ચૂંટણીઓ છે તો। એટલે તમે ફરી જવાના છો? અરે ફરી જવાના હોય તો આયા શું કરાઈએ, અમે તો ગઈ વખતે કર્ણાટક ગયા હતા, અરે કોંગ્રેસ વફાદાર રહ્યા હતા, અરે અમિત પટેલે જીતાડ્યા હતા। કેટલા લોકો તમારી સાથે ગાંધીનગર હતા? આજે મને ખબર નહીં, એટલે હું તમને સત્તાવાર આંકડો આપી શકું એમ નથી। ગાંધીનગર તો કેટલા? तो ये थे कांग्रेस के विधायक जिनका कहना है कि वो यहाँ से अभी उड़ान भरेंगे। दरअसल जो कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि इनको जयपुर ले जाया जा रहा है और जयपुर में इन विधायकों को रखा जाएगा। लेकिन सबसे दिलचस्प अगर हम कहें तो कांग्रेस के लिए ये अब एक विधायक बचाओ अभियान शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के विधायक है उनको यहाँ से अब ले के जाया जा रहा है। गोपी गांगर, अहमदाबाद एयरपोर्ट।